नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के एक नए नोटिफिकेशन के बारे में। बताऊंगा विस्तार से, नोटिफिकेशन से लेकर एप्लीकेशन के फुल डिटेल्स और भेजने तक मैं आपको विस्तार से बताते जाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलते नोटिफिकेशन की ओर। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर से निकला है। इसका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 2 जुलाई से 8 जुलाई की जो पेज है 9, उसमें आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। इसके लिए जो पोस्ट है कुक और सपाईवाला में निकला है, और इसके लिए आपको इंडियन सिटीजनशिप होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। एप्लीकेशन स्टार्ट 2 जुलाई से स्टार्ट हो गया। इसका लास्ट डेट 21 जुलाई तक इसका लास्ट डेट होगा। इसका अप्लाई मोड ऑफलाइन में है और इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं लगेगा। एज लिमिट की बात करें, सफाई वाला एज के लिए आपको 18 से 25 एज तक, और कुक के लिए आपको 18 से 20 ईयर तक आपको एज लिमिट रखा गया है। एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से होगा। पे स्केल सफाई वाला के लिए लेवल 1 और कुक के लिए लेवल 2। इसमें टोटल वैकेंसी आपको 2 सीट है। सफाई वाला EWS के लिए 1 सीट, कुक के लिए OBC में 1 सीट। अगर आप SC ST जनरल हो तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, तब आपको जनरल में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कुक में और सफाई वाला में 2 सीट है, लेकिन 2 सीट सोच के बहुत सारे कैंडिडेट नहीं फिलअप करते, इसलिए आपको वैकेंसी के हिसाब से यहाँ पर आपका कंपटीशन बहुत कम होता है, इसलिए आपको जिसको है उसको कर देना चाहिए, मेरा मानना है। उसके बाद एलिजिबिलिटी डिटेल्स, कुक के लिए आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। सफाईवाला के लिए भी 10 पास होना चाहिए और सफाईवाला में आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स जो जो लगेगा, इसमें आपको एडुकेशनल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इसके साथ आपको अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद 2 एडिशनल प्रेजेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड कैसे करना है मैं आपको फॉर्म फिलअप के दौरान आपको बताते जाऊंगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप अप्लाई करते हो OBC और EWS के लिए तो आपको देना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा और एक सेल्फ एनवलप ड्यूली एफिक्स्ड विद द पोस्टल स्टैम्प ऑफ 25 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। कैसे देना होगा, कौन सी वाला एनवलप में देना होगा, वो हम फॉर्म फिलअप के दौरान आपको बताते जाऊंगा। ऑल डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ एड्रेस्टेड देना होगा, और ये जो वाला पोर्शन है हम आपको फॉर्म फिलअप के दौरान बताते जाऊंगा। उसके बाद चलते फॉर्म फिलअप के और। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आप देख रहे हैं, मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे ये लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आपको प्रिंट कर लेना होगा। तो प्रिंट करने के बाद आपके पास ये फॉर्म होना चाहिए। उसके बाद आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो, यहाँ पर आपको ब्लॉक लेटर में लिखना होगा, और यहाँ पर आपका नेम जो है वो आपको कैपिटल में लिखना होगा। यहाँ पर आपका फादर्स नेम और हस्बैंड नेम जो भी है तो आपको लिखना पड़ेगा। आप मेल है तो यहाँ पर आपका पिताजी का नाम लिखना होगा। अगर आप मैरिड वुमेन है तो यहाँ पर आपको हस्बैंड का नेम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस लिखना होगा, जैसे मैंने लिखा विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन, ऐसे आपको लिखना होगा। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर आपको ऐसे भर देना होगा, अगर अलग है तो यहाँ पर आपके हिसाब से भर देना, विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन, ऐसे आपको भर देना होगा। कैटेगरी और कास्ट, अगर आप SC ST जनरल है तो भी आपको जनरल में आपको लिखना होगा, तो आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। अगर आप OBC और EWS है तो यहाँ पर आपको देना जरूरी है और उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आपके हिसाब से भर देना होगा। नेशनलिटी इंडियन लिखना होगा। क्वालिफिकेशन आप कौन सी पोस्ट के लिए देना चाहते हो यहाँ पर आप दे सकते हो। सारे जो पोस्ट है वो 10 के लिए एप्लीकेबल है। आप चाहे तो यहाँ पर 10 भी भर सकते हो, अगर आप चाहे तो हायर एडुकेशन भी यहाँ पर दे सकते हो, लेकिन उसके साथ आपको फोटोकॉपी देना होगा और उस पर आपका सेल्फ अटेस्टेड देना होगा। अगर आपका कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आपको देना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको देना होगा। जिस स्टेट के लिए आप आवेदन कर रहे हो उस स्टेट पे आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर भर देना होगा। यहाँ पर डिक्लेरेशन आप चाहते हो तो भर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपका सिग्नेचर कर देना होगा।
उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा कैपिटल में, यहाँ पर आपका प्लेस का नेम लिखना होगा, डेट लिखना होगा कब आप फॉर्म फिलअप भेज रहे हो उसका डेट यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर एक फोटो चिपकाना होगा जिसपे आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना होगा, जैसे मैंने किया है ऐसे आपको कर देना होगा। ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर आपको कोई ऐसे लिख के आपको क्रॉस नहीं करना होगा, व्हाइट कलर के यूज आपको नहीं करना है, क्लियर से आपको फॉर्म भर देना होगा और गलती ना हो ऐसे आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अटैच करना होगा और एक फोटो है उसको आपको ऐसे क्रॉस सिग्नेचर आपको कर देना होगा जैसे फोटो पर किया, आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। ध्यान रखना इस फोटो पे आपको किस जगह तक आपको अपना सिग्नेचर कंप्लीट कर सकते हो आपके हिसाब से यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना होगा। उसके बाद आपको दो एनवलप लेना होगा, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। ध्यान रखना इस पे आपको एडमिट कार्ड आएगा और इस पे आपको भेजना होगा। तो बड़ा वाला जो खम है उसको आपको लेफ्ट साइड पे फॉर्म देकर अपना एड्रेस लिखना होगा, नेम केयर ऑफ एड्रेस पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन ऐसे जैसे मैंने लिखा यहाँ पर आपको ऐसे लिख देना होगा। और छोटा वाला जो खम है यहाँ पर टू देकर राइट साइड पे यहाँ पर आपका एड्रेस लिखना होगा, नेम लिखना होगा केयर ऑफ एड्रेस पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन जैसे मैंने लिखा यहाँ पर आपको भर देना होगा। ध्यान रखना कोई भी गलती ना हो। और एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर फॉर्म देकर आपको लेफ्ट साइड पे लिखना होगा, यहाँ पर आपको टू देकर राइट साइड पे अपना एड्रेस लिखना होगा। और यहाँ पर आप पोस्ट ऑफिस से मिनिमम 25 का पोस्टल स्टैम्प लेना पड़ेगा। फिर से आपको बता रहा हूँ ये जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर आपको भर देना होगा और बड़ा वाला जो काम है उस पे आपको टू द क्वार्टर मास्टर पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर जे सी नगर बेंगलुरु 56006 इसको आपको राइट साइड पे लिखना होगा। और बड़ा वाला जो एनवलप है उस पे आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट देकर आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो यहाँ पर आपको लिखना होगा, कैटेगरी देकर अपना जो कैटेगरी है कास्ट है यहाँ पर आपको भर देना होगा। एप्लीकेशन आप रजिस्टर भी कर सकते हो और स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद जिस एड्रेस को मैंने बताया यहाँ पर टू देकर बड़ा वाला खम पे आपको राइट साइड पे लिखना होगा ब्लॉक लेटर पे। ध्यान रखना इसके अंदर आपको भेजना होगा, किसी भी गलती नहीं करना होगा। यहाँ पर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो यहाँ पर आपको लिखना होगा, कैटेगरी आप कौन सी कास्ट है यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद जो छोटा वाला काम है उसके आपको पोस्ट ऑफिस से पूछ लेना होगा कि आपके एड्रेस से इस एड्रेस तक जाने के लिए आपको कितना स्टैम्प देना पड़ेगा। यहाँ पर उतना मिनिमम आपको 25 के हिसाब से यहाँ पर आपको चिपकाना होगा। ये जो खामे यहाँ पर आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो, नॉर्मल पोस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको डोमिसियल लगा भी सकते हो, यानी स्थायी बसिंदा का जो प्रमाण पत्र है वो भी दे सकते हो। इस पर आपको SDO और BDO में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर गवर्नमेंट का नेम लिखा होगा, सब डिविजनल ऑफिसर कहाँ का है यहाँ पर लिखा होगा, सर्टिफिकेट नंबर लिखा होगा, डेट लिखा होगा, एक डिजिटल फोटो लिखा होगा जिसके ऊपर आपका स्टैम्प लगा होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखा होगा, पिताजी का नेम लिखा होगा, पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से लिखा होगा, SDO का सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पर SDO का नेम लिखा होगा, यहाँ पर सब डिविजनल ऑफिसर कहाँ पर है यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है यहाँ पर आपको देना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी है आपको अरेंज करके जैसे मैंने सेल्फ अटेस्टेड किया ऐसे आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना होगा। ध्यान रखना यहाँ पर आपको रनिंग हैंड पे सिग्नेचर कर देना होगा, सारे जो डॉक्यूमेंट्स आप दोगे उस पर आपको ऐसे ही सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ध्यान रखना आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है जहाँ पर सिग्नेचर बताया गया है यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होगा, फॉर्म में आपको सेल्फ अटेस्टेड करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो सारे आपको अरेंज कर देना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डोमिशियल, आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ जो भी है आपको अरेंज करके यहाँ पर आपको स्टेबल कर देना होगा। आप चाहे तो यहाँ पर
फोटो को स्टेबल भी कर सकते हो, नहीं तो आप छोटा वाला जो काम है उसके अंदर आप यहाँ पर आपको सेंड कर देना होगा। तो सारे होने के बाद यहाँ पर आपको ऐसे फोल्ड करना होगा। ध्यान रखना ये फोटो पे आप कोई फोल्ड ना हो, और सारे जो काम है यहाँ पर आपको ऐसे अरेंज कर देना होगा। तो सारे होने के बाद बड़ा वाला जो काम है उसके अंदर आपको फॉर्म को ऐसे भेज देना होगा, और छोटा वाला जो एनवलप है इसके अंदर आपको दे देना होगा। तो सारे हो जाने के बाद यहाँ पर आपको बड़ा वाला काम पे आपको गम से चिपका देना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, किसी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, इससे मुझे पता चलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।